Okay, now we have multiplied the first one. We will
नेक्स्ट 4.5x प्लस, और ये भी माइनस 4.5x, कॉन्स्टेंट सेम है, तो 2 माइनस 2 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, तो ऐसे 4.5 माइनस 4.5 क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन वो कब होगा, जब 4.5 के आगे प्लस की साइन होगी। अगर 4.5 के आगे माइनस होता तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। प्लस और माइनस ही होना चाहिए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। तभी आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे और वो टर्म जीरो हो जाएगा। देन ये तो कट हो गई, ये y स्क्वायर, डू वी हैव एनी y स्क्वायर, नो, सो माइनस 16y स्क्वायर एज इट इज, एंड माइनस 12y प्लस 12y, सो अगेन दिस विल बी कट। हेंस दिस इज आवर आंसर, 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। Now, this one you will try to solve by yourself. Let me tell you the steps. What are the steps? ये ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स को आपको वन बाई वन नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पहली टर्म कौन सी है, ए, तो ए पहले रेशनल।